हेलो माय डियर ग्लाइड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर। आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड, या हिंदी में इसे हम ज्ञानपीठ सम्मान या अवार्ड के नाम से जानते हैं। इस बार ये अवार्ड दो महान राइटर को दिया गया है। पहला उर्दू के महान राइटर डायरेक्टर जिनको हम गुलजार के नाम से जानते हैं, और दूसरे जगत गुरु रामभद्राचार्य जिनको संस्कृत भाषा में ये अवार्ड 2023 का दिया गया है, जो 2024 में दिया जाएगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, और बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। तो हम डिस्कशन करते हैं सारे अवार्ड के बारे में। ज्ञानपीठ अवार्ड, इसे भारतीय ज्ञानपीठ संघ के द्वारा दिया जाता है, और ये सारा अनाउंसमेंट भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं। लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, सबसे बड़ा ये सम्मान है। ये भारत की 22 जो भाषाएं हैं विद इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, जो 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है भारत के संविधान के अंदर। ये अवार्ड किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, तो आप देखेंगे भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत, वैसे तो इसे एस्टैब्लिश 1961 में किया गया था, लेकिन पहली बार ये अवार्ड 1965 में दिया गया था। बात करें अभी लेटेस्ट अवार्ड की, तो यह अनाउंसमेंट 2023 का है, लेकिन यह अवार्ड 2024 के अंदर दिया जाएगा। बात करें इसके अंदर प्राइज मनी कितनी दी जाती है, तो 11 लाख रुपए इसके अंदर प्राइज मनी दी जाती है, और इस तरीके की जो मूर्ति है वो दी जाती है इस सम्मान के अंदर, जो वाग देवी यानी सरस्वती की मूर्ति है जिसको दिया जाता है। इस बार यह अवार्ड उर्दू भाषा के महान राइटर गुलजार और संस्कृत के जाने माने आचार्य जिन्हें रामभद्राचार्य के नाम से जानते हैं, इन दो लोगों को यह सम्मान इस बार दिया जाएगा। सबसे पहले सम्मान की बात करें, सबसे पहली बार यह अवार्ड किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरुप को यह सम्मान मलयाली भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। बात करें अभी ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये दो नामों का, तो ये सम्मान जो है ये 58 नंबर का एडिशन है जो इस बार दिया जाएगा दो लोगों को दो भाषा के अंदर। बात कर लेते हैं कुछ इसके स्टैटिक डेटा के बारे में, जिससे रिलेवेंट हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए। देखिए बात करते हैं नंबर वन पॉइंट, दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट इन 1961। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी शुरुआत इसे एस्टैब्लिश 1961 में किया गया था, लेकिन जो पहला सम्मान जो है वो 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयाली पोएट के लिए दिया गया था, जिसमें इनकी महान जो किताब है, जिनकी पोएम जो है वो किस नाम से जानी जाती थी, तो ओडा खुजल के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा हम बात करें ये जो अवार्ड है, सेकंड पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये जो अवार्ड है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो भारत के संविधान के अंदर 8 शेड्यूल में भारत में 22 भाषाओं का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, और साथ में इंग्लिश भाषा को भी इसमें ऐड किया गया है। अब वहीं पर यदि हम इंग्लिश के लैंग्वेज के यदि अवार्ड की बात करें, तो अभी तक 1965 से लेकर के 2023 तक की यदि हम ईयर की बात करें, तो पहली बार ये अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 2019 में अमिताभ घोष को दिया गया था। दिस इज द ओनली सिंगल पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड। इसके अलावा यदि हम बात करें, वंस लैंग्वेज गेट अवार्ड इट्स नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यदि किसी लैंग्वेज को यदि किसी ईयर में सम्मान दिया जाता है, तो आने वाले 2 साल तक फिर उस भाषा के लिए वो सम्मान नहीं दिया जाएगा। ये कुछ इसके लॉज हैं इस सम्मान के। बात करें इस सम्मान में कितना प्राइज मनी दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए इसके अंदर प्राइज मनी दी जाती है, और जो मूर्ति है वो ब्रॉन्ज वाग देवी की आपको मूर्ति, जो कि सरस्वती गॉडेस सरस्वती की मूर्ति होती है, जो कि सम्मान के रूप में इसमें दी जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो अवार्ड है
ये जीते जी ये अवार्ड दिया जाता है, पॉस्ट्यूमसली तरीके से ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। मतलब इस सम्मान की खास बात यह है कि मरणोपरांत इस सम्मान को नहीं दिया जाता है और लोगों को उनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी लैंग्वेज में किए गए कार्य के लिए ये सम्मान दिया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं वो पहला नाम जिसको 2023 का 58 एडिशन भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान के नाम से दिया जा रहा है। तो बात करें गुलजार की, तो ही वॉज बॉर्न 18 अगस्त 1934 दीना पंजाब, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर प्रोविंस के अंदर आता था, जो कि एट प्रेजेंट आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। 1956 में प्रेजेंट किया गया था ईयर्स एक्टिव, जो कि इनके काम की शुरुआत होती है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो लिरिसिस्ट रहे हैं, काफी सारे गाने इन्होंने लिखे हैं, पोएट हैं, ऑथर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने कई सारी फिल्में भी भारत में इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के अंदर आपने देखी हैं। इसके अलावा हम बात करें इनके सम्मान की, इनके अवार्ड्स की, कि इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जो हैं वो हासिल किए हैं, जीते हैं, तो उसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2002 के अंदर दिया गया, बाद में पद्म भूषण, द थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जाने वाला पद्म भूषण 2004, एकेडमी अवार्ड 2008, साथ में म्यूजिक में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान ग्रैमी अवार्ड, जिसे ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जानते हैं, 2010 में ये अवार्ड दिया गया। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, जिसे लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन सिनेमा के अंदर दिया जाता है, जो कि जाना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम से, तो ये अवार्ड भी इन्हें 2013 में दिया गया। और अभी लेटेस्ट में जो अनाउंसमेंट किया गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2023-24 के रूप में भी इन्हें नवाजा जाएगा। बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू लैंग्वेज के अंदर, ये पांचवा सम्मान है जो कि उर्दू भाषा के लिए दिया जाएगा। पहली बार यदि उर्दू लैंग्वेज में किसी राइटर को यह अवार्ड दिया गया था तो 1969 में फिराक गोरखपुरी को यह अवार्ड दिया गया था। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वामी भद्राचार्य जी के बारे में। राम भद्राचार्य जी, इनका रियल नेम है गिरिधर मिश्रा और इनका जन्म 1950 में 14 जनवरी शादी को जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो रामनंदी संप्रदाय सेक्ट से ये बिलोंग करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023-24 जो कि संस्कृत भाषा का दूसरा ये सम्मान है जो कि इस भाषा के अंदर दिया गया है। बात करें, ये जाने माने फाउंडर भी हैं कई सारे ऐसे संस्थान के, जिसमें पहला है जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी। इसके अलावा तुलसी पीठ के भी ये क्या है, फाउंडर है। तुलसी स्कूल फॉर द ब्लाइंड जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग सेवा संघ के भी ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में कांच मंदिर और उसके बाद में राम भद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, ये सारे संस्थान के फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे राम भद्राचार्य जी। इसके अलावा बात करें, ये संस्कृत का ये दूसरा सम्मान है जो कि इनको दिया गया है, लेकिन पहले सम्मान की बात करें तो संस्कृत अवार्ड में पहले जो विनर थे उनका नाम है सत्यव्रत शास्त्री, जिनको 2006 में ये सम्मान दिया गया था। आइए इसके अलावा और हम चर्चाएं कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में किसे दिया गया था। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था जी शंकर कुरुप को यह सम्मान मलयाली पोयम के लिए दिया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन स्टैटिक बेस पूछे जा सकते हैं कि वो भारत की पहली महिला जिसे ये सम्मान दिया गया, तो आशा पूर्णा देवी वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू रिसीव दिस अवार्ड और ये नोवेल प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको ये दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात की जाए भारतीय ज्ञानपीठ की, जो ये सम्मान अनाउंसमेंट और ये अवार्ड देता है, इसकी शुरुआत बात करें तो 1944 में इस संस्थान की शुरुआत की गई थी। इसके फाउंडर थे साहू शांति प्रसाद जैन, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन की बात की जाए तो प्रतिभा राय एट प्रेजेंट इसके बोर्ड की चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगी।
तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, आपको सारी जानकारियां ज्ञानपीठ अवार्ड, जयानपीठ अवार्ड 2023-24 से आपको मिली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।